ओ भाई साहब गाइस, दो दो थार डोनट मार रही है यहाँ पर। गाड़ियाँ यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अभी 12 बजे है और एक गाड़ी वहाँ पर पूरी कंप्लीट फंस गई है और ये भी फंस गई और जिप्सी भी पूरी तरीके से फंस गई। तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया यहाँ क्योंकि -15 गाड़ियाँ कहाँ हैं, इम्पॉसिबल है गाइस गाड़ियाँ लेना वहाँ से। देख सकते हो गाइस, रेस्क्यू इज हियर। So this is the first rescue that has been done by the Gulmarg Development Authority. So big shout out to Gulmarg Development Authority and big shout out to district police. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वाइल्ड ब्रदर्स, और आप लोगों का स्वागत है। और गाइज, अभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आई थी, काफ़ी ज़्यादा डीएम आए थे कि आप जिप्सी पे मतलब वापस ऑफ रोड करो, जिप्सी को लाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि जिप्सी हमने नहीं ली थी। और जैसे कि वो हमारी ऑरेंज जिप्सी थी वो हमने बेच दी थी, और फिर हमारे पास अभी रेड जिप्सी है। आज हम अभी जा रहे हैं गुलमर्ग नाइट आउट के लिए, और मेरे साथ है मेरे भाई, और हमने रेड कलर की थार घर पे रखी है और उसकी रिप्लेसमेंट हमने रेड जिप्सी से कर ली है। और गाइस देखेंगे, क्योंकि आज अभी फर्स्ट विजिट है, इससे पहले गया था मैं गुलमर्ग और तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आज मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ स्नोफॉल के बाद, जबकि वहाँ अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है, उसके बाद वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन गाइज आज मैं व्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इस सीज़न का पहला है गुलमर्ग का। तो गाइज वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कितना टाइम हुआ वेट किए हो भाई, क्या ही बोल सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं पिछले 3 घंटे से मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद भी अब परेशान हूँ। तो गाइस ये 3 घंटे से हमारा वेट कर रहा था, हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ और मैं काफ़ी ज़्यादा एनॉय हो रहा हूँ गाइस, मेरे सर में दर्द हो रहा है आज, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया। गाइस टेम्परेचर इज -9, यहाँ पर बोर्ड भी दिखा रहा था, और हो गया हमारा वेलकम टू गुलमर्ग। और सबसे पहले देखते हैं आगे अरुण भाई चल रहे, पता नहीं पहले होटल की तरफ चलेंगे क्योंकि किसी होटल वाले से बात करके रखी है कि पहले कहीं पर डिनर करते हैं। अब तो गाइस ये हो गया होटल, तो रूम टूर आपको मैं इसके बाद कराता हूँ, पहले मैं थोड़ा चिप्स वगैरह लेके आता हूँ। तो होटल पोशवान है यहाँ पे, और इसके बाद डिनर के बाद जाते हैं हम ऑफ रोडिंग पे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। सबसे पहले मैं चिप्स वगैरह लेके आता हूँ। अरुण भाई इतनी भूख लगी है क्या, सर भी ऊपर नहीं कर रहे भाई। ओ भाई साहब गाइस, दो दो थार डोनट मार रही है यहाँ पर, बढ़िया भाई बढ़िया। बोल भाई बोल, कुछ आशा करा तो उसमें बात करता भाई। ओ भाई साहब गाड़ी पागल हो गई है। ओ भाई साहब वाइल्ड ब्रदर्स नाम ऐसे ही नहीं है या कोई पागल। चेक करते हैं। रहन दे भाई रहन दे, मुंजरीन भाई रहन दे। तो गाइस ड्रिफ्ट शिफ्ट आपने देख लिए, और अब हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी वैली, और देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा
नाइट स्नो राइड करेंगे, देखेंगे क्या रहता है सीन अभी का। वैसे भी पूरा बर्फ जमा हुआ है, स्टिल लेट्स सी। तो गाइज यहाँ से जाएंगे हम सीधा अभी स्नो ड्राइव करने। तो गाइज अब यहाँ से काफी ज्यादा नैरो रोड स्टार्ट होगा और आप लोग देख सकते हो फिलहाल हमारी पहली वाली थार वहां से जा रही है। तो गाइस रात में स्नो ड्राइव का मजा ही कुछ अलग है। तो गाइस स्ट्रॉबेरी वैली पूरा स्नो के अंदर है, कोई ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी यहाँ से तो मुझे एक बात पता है, पानी है, यहाँ से भी पानी है और आगे रोड है, लेकिन रोड है वो अभी किसी ने यहाँ से ड्राइव नहीं किया है। और गाइस हमें भी नहीं पता कि यहाँ से गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। आप लोग देख सकते हो स्नो ड्राइव, हम पूरा बर्फ़ काट के आए थे यहाँ तक और थोड़ा बहुत तो ट्रैक था, लेकिन अब वो भी नहीं है भाई। आ गया आ गया आ गया और आ गया और आ गया। भाई और आ गया, स्टेयरिंग सीधा रख, अब स्टेयरिंग सीधा रख, आ गया यहां तक फिर जा, इतना बड़ा बेल्ट नहीं है भाई। अब सही है अब सही है अब सही है, और आगे अब पीछे जा, रिवर्स बहुत तेज जा। नहीं जाएगी, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, चल 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 चल, बस रुक जा रुक जा रुक जा। तो गाइस स्नो ड्राइव के चक्कर में पहली गाड़ी यहाँ फंस गई और अब इसको रिकवर करते हैं। पता नहीं यहाँ से रिवर्स गाड़ी आ जाएगी कि नहीं। अमाद गाड़ी की लाइट्स बंद कर, उसकी ऑलरेडी बैटरी लो है। चल चल भाई आराम आराम से आगे। स्ट्रेट अभी स्ट्रेट है भाई तेरी स्टेयरिंग। इस गाड़ी का गाइस पावर स्टेयरिंग भी खराब हो गई, क्योंकि जब भी पता नहीं हम घूमने जाते हैं हमारी गाड़ियां खराब क्यों हो जाती। चल भाई आराम से चलना, बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, तू ब्रेक क्यों दे रहा है? अच्छा तो फर्स्ट गियर तो दे, बस 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 रुक जा। तो फिलहाल ये गाड़ी निकल गई यहाँ से, अब रिवर्स देखते जाएगी कि नहीं। तो गाइस ट्रैक की हालत देखो, वहाँ तक बनाया था ट्रैक, लेकिन अभी बहुत बुरी तरीके से गाड़ियाँ फंस गई। पहले वो थार वहाँ फंसी थी, अब ये, अब विंच लगा कि एक विंच तो जा रहा है लेकिन वो गाड़ी को उल्टा पुल कर रहा है। अब गाड़ी यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से विंच करेंगे, फिर पता नहीं वो गाड़ी निकलेगी कि नहीं। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है। लेने के देने पड़ गए भाई, वो तो जिप्सी तो फंसी गई, गाइस जिप्सी वहाँ पर फंस गई। नज़ारे चेक करो गाइस रात के, अभी 11 बजे है और आप लोग नज़ारे चेक करो। है इसको यहाँ तक लाने का। ओ भाई रिवर्स देना, स्टेयरिंग मोड, हाँ हाँ वहाँ से मोड स्टेयरिंग, हाँ हाँ परफेक्ट। रुक जा, चल चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है, सीधा स्टेयरिंग कर, सीधा सीधा स्टेयरिंग सीधा, बस
शीशा ऊपर। आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है, आ रही है। उठ रहा है, सीन बन रहा है भाई। तो गाइस गाड़ी आ रही है। कहते वर्ल्ड भाई, स्टीयरिंग मोड, स्टीयरिंग मोड, यहाँ यहाँ मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ खींच 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 और खींच, मोशन और खींच, और खींच, और खींच, रेंदे रेंदे रेंदे। ये भी फंस गई, थोड़ा धक्का दे। ऐसे क्या गए? तो गाइस गाड़ियां यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अभी 12 बजे है और एक गाड़ी वहाँ पर पूरी कंप्लीट फंसी है और ये भी फंस गई और जिप्सी भी पूरी तरीके से फंस गई। यह बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया यहाँ, क्योंकि -15 है अभी, या तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर है गाइस होटल तक, और चलते चलते जाना पड़ेगा। तो गाइस स्नोफॉल चेक करो, और अभी हम जा रहे हैं गाड़ियों के पास, क्योंकि ब्रेकफास्ट पहले करना ज़रूरी था। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, गाड़ियाँ अभी चढ़ेगी रेस्क्यू के लिए, जेसीबी चाहिए, क्रेन चाहिए, क्या चाहिए वो वहीं जाके देखते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं वहाँ की तरफ, यहाँ से तो किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों गाड़ियाँ उधर ही है और यहाँ से 4-5 किलोमीटर है गाइस, ज़्यादा ही। तो गाइस आर्मी के पास गए थे कि कुछ रेस्क्यू भेज दीजिए, अभी नहीं पता भेजेंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो रात भर स्नोफॉल हो रहा था। मतलब ये रोड है जहाँ से गाड़ियाँ लानी है, इम्पॉसिबल है गाइस, गाड़ियाँ यहाँ से आ सकती है। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से कितना दूर है अभी गाड़ियाँ जहाँ फंसी है, काफ़ी दूर है गाइस, काफ़ी दूर। ओह ये देखो गाड़ियाँ कहाँ हैं, इम्पॉसिबल है गाइस गाड़ियाँ लेना वहाँ से, देख सकते हो रोड। ओए इम्पॉसिबल है, इनसे बर्फ हटा हटा के आ रही है गाड़ी। अरुण वो उतर नीचे, बहुत हार्ड। ए सुई, ए सुई, so this is the first rescue that has been done by the Gulmarg Development Authority. So big shout out to Gulmarg Development Authority and big shout out to district police, Gulmarg, and you can check it out. We have been rescued. यहाँ पे फंसी हुई थी कल। बस बस ये दूसरी थार हमारी रिकवर हो रही है। देखो गाइस स्नो कितनी है वहां पे, गाड़ी भी, ये गाड़ी भी स्ट्रगल कर रही है गाइस। एक तो चारों टायर में चेन है और आगे स्नो क्लियरेंस वाला वो भी हुड भी लगा के, फिर भी गाइस गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। तो हमारी गाड़ी में कोई कसूर नहीं था गाइस।
अब यहाँ पर गाइज लास्ट की गाड़ी रिकवर होने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फंसी थी। भाई साहब गाड़ी की हालत देखो गाइस, एलॉय देखो गाड़ी के। बहुत बढ़िया। तो गाइस फाइनली यहाँ पर गाड़ियाँ रेस्क्यू हो गई है, देखो ये भी आ गई ऊपर, वो भी आ गई, और आगे रोड साफ करते हुए, जो कि रोड था नहीं इससे पहले जो हमने देखा, वो रोड बनाते बनाते ऊपर तक जाएगी तो फिर हमारी गाड़ियाँ सारी पास हो जाएगी। तो गाइज फाइनली हमारी गाड़ियाँ हो गई है कम्प्लीटली रेस्क्यू, और हम अब जा रहे हैं टंगमग की तरफ। अभी हम गुलमग में ही हैं, ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं। और गाइज अब पता नहीं लास्ट दो ट्रिप से हम जहाँ भी जा रहे हैं गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये देखो जैसे कि अभी 5151 है, इसका ब्रेक फेल हो गया, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है, ब्रेक भी काम नहीं कर रही, और जो हमारी 6006 है गाइज उसका तो स्टेयरिंग ही बैठ गया, पावर स्टेयरिंग पूरा ख़राब हो गया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yeah.